इस वक्त हम जिला मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के ग्राम लालूवाला में खड़े हैं। आप जो मेरे पीछे ये रोड देख रहे हैं, ये पीपल थाना होते हुए थाना भोजपुर जा रहा है और इधर को मुरादाबाद जा रहा है। ये सब बताते हैं कि रात और दिन ये जो है रोड चलता है। और मैं आपसे यहाँ इस ग्राम लालूवाला में करीब है रात कोमल कटकर चोरी की गई है, जिसमें सोने चांदी का सामान और कुछ नकदी भी जेवर और बताया जा रहा है कपड़े लत्ते और जूते चप्पल भी चोरी किए गए हैं। अब से पहले 6 दिन पहले ग्राम यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर ग्राम रुस्तमपुर तिगरी में करीबन 6 जगहों पर कोमल किया गया था और अब इस घर में कोमल किया गया है। आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि 8 दिन पहले यहाँ कोमल किया गया था। इसके ठीक बराबर में एक बड़ा कोमल यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रात में करीब किसी टाइम यहाँ पर चोरी की गई है कोमल काट कर। और ये मेरे हिसाब से करीबन 5-7 फीट का ये कोमल है, इतनी बड़ी तादाद में जो है इन्होंने कोमल काटा है। और ये बता रहे हैं कि पुलिस भी रात जो है आई थी यहाँ पर, होटल बजा रही थी। यहाँ पर घर के एक पीड़ित हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? शहजाद नाम है। अच्छा, क्या घटना घटी थी आपके यहाँ? रात को करीबन 3 बजे के बाद में यहाँ पर कोमल काट के चोरी हुई है। अच्छा, फिर आपने सूचना दी? हाँ, सूचना सुबह दी थी, जब सुबह पता चला तो। अच्छा, फिर दरोगा जी आए थे सुबह, उन्होंने मतलब FIR लिखी है और 1 बजे फिर आने कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो चेक करा के उनको फिर बुलाया जाएगा दरोगा जी। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान में उसमें 8,000 रुपये थे, सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, चांदी की चैन है और कपड़े थे। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे बताया जा रहा है कि गाँव के बराबर में भी कहीं और भी कोमल? हाँ, लालवाले में है, एक इस मोहल्ले में हुआ था हमारे बराबर में। अच्छा, मगर वहाँ पे बस एक ईंट निकाली थी, बाकी वहाँ पर लोग जग गए थे तो वहाँ से निकल गए चोर। अच्छा, क्या बताया जाए कितने लोग हो सकते हैं चोरी करने वाले? ये तो खैर अंदाजा नहीं है, मगर है फैमिली ज़्यादा लोगों की, गिरोह है पूरी। अच्छा अच्छा, इसके बराबर वाले गांव में भी अभी बता रहे थे कि किसी गांव में? हाँ, भोपुर में हुई थी कल चोरी। अच्छा, वहाँ पर भी चोरी हुई है कल भोपुर में, और 2-3 जगह चोरी और हुई है। तेली वाली मिलक में भी चोरी हुई है, चकरपुर पुरमपुर में भी चोरी हुई है। अच्छा, हाँ, 3 दिन पहले चकरपुर भोरनपुर में भी बता रहे हैं कि चोरी हुई है, और रुस्तमपुर तिगरी में करीबन 6 जगहों पर जो है चोरी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चोरों का कोई बड़ा गैंग जो है क्षेत्र में घूम रहा है, और पुलिस की 112 नंबर की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर आती जाती दिखती है लोगों को, और पुलिस भी यहाँ पर लगातार जो है पैरवी कर रही है। लेकिन पुलिस जो है चोरियाँ रोकने में पूरी तरह नाकाम हो रही है। इसमें बताया जा रहा था कि अब से 8 दिन पहले भी जो है एक और कोमल काटा गया था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। तो अब 8 दिन के बाद में जो है ये करीबन 5 फीट और करीबन 2-2.5 फीट लंबा चौड़ा जो है ये कोमल काट कर जो है यहाँ पर इन्होंने सोना चांदी और इसके कुछ ईंटें पड़ी हैं यहाँ पर, मैं दिखलाऊँगा। और यहाँ पर एक कंघा भी पड़ा है जो कि यहाँ पर छोड़ गए हैं बाल काटने वाला। तो ये सामान जो है पुलिस ने जो है चोरी किया है। अच्छा, अब मैं ऊपर आकर बात करूं तो इधर बताया जा रहा है कि घर के सामानों का जो है एक रुपट्टा भी चोरी जो है करने की कोशिश की थी, तो शायद यहाँ छोड़ गए हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि घर का जो सामान है, संदूक था, बॉक्स था, वो सब बाहर पड़ा था। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक सुराख हुआ है, यहाँ पर जो है चोरों ने कोमल किया था रात में किसी वक्त, लेकिन उसमें जो सफल नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि घर वाले उड़ गए हैं। एक पीड़ित हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूरी जानकारी लेता हूँ। तुम्हें कैसे किस टाइम पता चला है? हमें तो रात हमने खटर पटर सुनी तो हम उठ गए, हम चारों तरफ को हमने देखा तो हमें कुछ मालूम नहीं दिया। हमने देखा हमारे किवाड़ खुले हुए हैं, तो हमने ये देखा कि हमारे कमरे में सुराख कर दिया है। फिर पीछे जाकर देखा तो हमारे चौखे कटे हुए है, बस ये देखा हमने। तो ये लालूवाला की जो है ये दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर कोमल काटने का प्रयास किया गया था, हालांकि यहाँ से सामान कोई भी चोरी नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो है पूरी तरह प्रयास किया गया था। घर वाले जो है जाग गए थे। अच्छा, लगातार जो है पुलिस पहरा दे रही है गांव के चारों तरफ, लेकिन फिर भी जो है चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हमने सबसे पहले आपको एक कोमल काट कर चोरी की घटना दिखलाई थी, अभी हम आपको दूसरी दिखलाई थी और दूसरी दिखला रहे हैं, और अब इसके बाद हम एक और दिखाएंगे आपको। ये मुरादाबाद को जाने वाला रोड के पास में जो है एक दरगाह है, ये जो है अब्बा मियाँ के नाम से पुकारी जाती है इस दरगाह को। और ये मेन रोड के बराबर में बिल्कुल हाईवे पे ये दरगाह है,
और यहाँ से बताया जा रहा है कि मोटर चोरी करके ले गए पानी की। चोरों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, यहाँ तक कि दरगाहें भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब से पहले भी आपको कई जगह हमने चोरी की घटनाएं दिखलाई थी। अब मेरे साथ ये दरगाह पर बैठने वाले खिदमत गुजार हैं, इनसे मैं बात करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूफी रासम अली खलीफा। अच्छा, कहाँ से मोटर चोरी हुई थी? जी, यहाँ से दरगाह शरीफ है, सैयद निसालमी अब्बा हुजूर की उर्फ अब्बे मियाँ करके मशहूर हैं ये, और यहाँ से ये दरगाह का मतलब ये मोटर लेके चुरा कर। यहाँ पर ताला था? जी, ताला लगा हुआ था। ताला तो खैर मैं खुल लिया, ताला लगा हुआ था। हाँ, डंडाला तोड़ कर ले गए? हाँ, डंडाला ये तोड़ लिया, यहाँ डंडाला तोड़ के ले गए। अच्छा, कितनी कीमत की मोटर थी? 3000 की थी। फिर आपने क्या किया उसके लिए? कोई अभी हम लोगों से कह रहे हैं भाई, इस मझार में मोटर के लिए पैसे दो, तो कुछ लोग कह रहे हैं देंगे। अच्छा, उसके लिए कोई कहा आपने, पुलिस में इन्फॉर्मेशन दी? ना, हमने कुछ नहीं दी, हमने तो बाबा को छोड़ दिया और आपसे शिकायत कर रहे हैं बस। अच्छा, जो ये यहाँ पे रोड है, तो रोड पे कोई गाड़ी पुलिस की निकलती गुजरती होगी रात को? हाँ, पुलिस की गाड़ी बहुत निकलती हैं, लेकिन उन्होंने बेचारों ने नहीं की देख ले करी होगी, बेचारों ने नहीं देखा होगा। हाँ, हमने पुलिस से भी नहीं कहा। बता ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है रात को कई चक्कर यहाँ पर लगाती है। मेरे पीछे आप ये रोड देख सकते हैं कि वही रोड है जो कि मुरादाबाद को जाने वाला रोड है, और ये रात और दिन जो है ये रोड जो है चलता है। अच्छा, इस पर बताया जा रहा है कि कई रात को जो है कई कई पुलिस की गाड़ियां आती हैं, लेकिन पुलिस की नज़र नहीं पड़ी। पुलिस लगातार जो है पैरवी कर रही है, राउंड मारती है पुलिस, लेकिन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। कैमरामैन आस मोहम्मद के साथ मोहसिन अंसारी।